दोस्तों, पंजाब किंग्स की शानदार जीत के बाद आईपीएल 2022 के पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा बदलाव। हैदराबाद की टीम को लगा तगड़ा झटका, तो वहीं पर कोलकाता, मुंबई और चेन्नई की टीम भी हुई हैरान और परेशान। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला पंजाब और हैदराबाद के बीच खेला गया, जिसमें पंजाब की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल करके पॉइंट्स टेबल में दो महत्वपूर्ण अंक हासिल कर लिए हैं। आखिर पंजाब की जीत के बाद कौन सी टीमों को फायदा और नुकसान हुआ है, कौन सी वह चार टीमें हैं जो क्वालिफाई हो चुकी हैं, और आईपीएल 2022 के सभी मुकाबले खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल का क्या हाल है, पूरा पॉइंट्स टेबल विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी आईपीएल के जबरे वाले फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आईपीएल 2022 में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल के बारे में जानने से पहले सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स में जान लेते हैं कल खेले गए रोमांचक मुकाबले के बारे में। दोस्तों, इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और पंजाब की टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया था। अब पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की शुरुआत तो खराब रही थी, लेकिन सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 43 रनों की अहम पारी खेली थी। इसके अलावा राहुल त्रिपाठी ने 20 रन, एडम मार्करम ने भी 21 रन और वाशिंगटन सुंदर के बल्ले से 25 रन और रोमारियो शेफर्ड के बल्ले से 26 रन निकले थे, जिसके बदौलत हैदराबाद की टीम 20 ओवर के पारी में 8 विकेट के नुकसान पर 157 रन बना सकी थी। जहां 158 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की शुरुआत तो शानदार रही थी, जहां पंजाब की तरफ से जॉनी बेरिस्टो सिर्फ 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन फिर शिखर धवन ने 39 रनों की अहम पारी खेली थी। इसके अलावा लियाम लिविंगस्टन के बल्ले से मात्र 22 गेंदों में 5 छक्कों की मदद से 49 रनों की ताबड़तोड़ पारी देखने को मिली थी और इस तरह से पंजाब की टीम ने इस मुकाबले को 15 ओवर में 5 विकेट से जीत कर पॉइंट्स टेबल में दो महत्वपूर्ण अंक हासिल कर लिए थे। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आखिरकार पंजाब की जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में कौन सा बड़ा बदलाव हो चुका है। तो चलिए पूरा पॉइंट्स टेबल पूरी तरह से विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीएल 2022 के पॉइंट्स टेबल में नंबर एक की टीम की, तो यहां पर आती है गुजरात टाइटंस की टीम। गुजरात की टीम ने अब तक इस सीजन में कुल 14 मुकाबले खेले हैं। 10 मैचेस में गुजरात को जीत मिली है, 4 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से कुल उनके 20 पॉइंट्स है और उनके नेट डेट की बात की जाए तो +0.31 का उनका नेट डेट है। गुजरात की टीम टॉप टू में जरूर है। गुजरात की टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए दो मौके दिए जाएंगे। नंबर दो के स्थान पर आती है राजस्थान रॉयल्स की टीम। राजस्थान की टीम ने अब तक इस सीजन में कुल अपने 14 मुकाबले खेले हैं, जहां 9 मैचेस में इन्हें जीत मिली है, 5 मैचेस में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से कुल उनके 18 पॉइंट्स है और उनके नेट डेट की बात की जाए तो +0.29 का उनका नेट डेट है। राजस्थान की टीम भी टॉप टू में अवेलेबल है और राजस्थान को भी फाइनल में पहुंचने के लिए दो मौके दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं आईपीएल 2022 के पॉइंट्स टेबल में नंबर तीन की टीम के, तो यहां पर आती है लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम। लखनऊ की टीम ने अब तक इस सीजन में कुल 14 मुकाबले खेले हैं, जहां 9 मैचेस में लखनऊ को जीत मिली है, 5 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से कुल उनके 18 पॉइंट्स है और उनके नेट डेट की बात की जाए तो +0.25 का उनका नेट डेट है। लखनऊ की टीम भी प्लेऑफ में पहुंच गई है और लखनऊ की टीम के पास अब अच्छा मौका होगा कि प्लेऑफ में शानदार प्रदर्शन करके चैंपियन बने। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर चार की टीम के, तो यहां पर आती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। बैंगलोर की टीम भी आखिरकार प्लेऑफ में पहुंच गई है। बैंगलोर की टीम ने अब तक इस सीजन में कुल 14 मुकाबले खेले हैं, 8 मैचेस में इन्हें जीत मिली है, इसके अलावा 6 मैचेस में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से कुल उनके 16 पॉइंट्स है और उनके नेट नेट की बात की जाए तो -0.25 का उनका नेट नेट है। बैंगलोर की टीम का प्रदर्शन भी इस सीजन में बेहतरीन रहा, उम्मीद करते हैं कि खिताब भी जीते। दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर पांच की टीम की, तो यहां पर आती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दिल्ली की टीम ने अब तक इस सीजन में कुल 14 मुकाबले खेले हैं, 7 मैचेस में दिल्ली को जीत मिली है, 7 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से कुल उनके 14 पॉइंट्स है और उनके नेट नेट की बात की जाए तो +0.204 का उनका नेट नेट है। दिल्ली की टीम का प्रदर्शन भी इस सीजन में ठीक ठाक ही रहा।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं आईपीएल 2022 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 की टीम की, तो यहां पर आती है पंजाब किंग्स की टीम। पंजाब की टीम ने अब तक इस सीजन में कुल 14 मुकाबले खेले हैं, 7 मैचेस में पंजाब को जीत मिली है, 7 मैचेस में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से कुल उनके 14 पॉइंट्स है और उनके नेट की बात की जाए तो प्लस 0.12 का उनका नेट है। पंजाब की टीम का प्रदर्शन भी इस बार ठीक ठाक रहा, लेकिन प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आईपीएल 2022 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 की टीम की, तो यहां पर आती है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। कोलकाता की टीम ने अब तक इस सीजन में कुल 14 मुकाबले खेले हैं, जहां 6 मैचेस में इन्हें जीत मिली है, 8 मैचेस में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से कुल उनके 12 पॉइंट्स है और उनके नेट की बात की जाए तो प्लस 0.146 का उनका नेट है। कोलकाता की टीम का प्रदर्शन भी इस बार कुछ खास नहीं रहा, उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट सीजन में अच्छा प्रदर्शन करे। नंबर 8 के स्थान पर आती है हैदराबाद की टीम। हैदराबाद की टीम ने अब तक इस सीजन में कुल 14 मुकाबले खेले हैं, 6 मैचेस में इन्हें जीत मिली है, 8 मैचेस में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से कुल उनके 12 पॉइंट्स हैं और उनके नेट की बात की जाए तो -0.37 का उनका नेट है। हैदराबाद की टीम का प्रदर्शन भी इस बार कुछ खास नहीं रहा, नेक्स्ट सीजन में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा नंबर 9 के स्थान पर आती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। चेन्नई की टीम ने अब तक इस सीजन में अपने कुल 14 मुकाबले खेले हैं, जहां 4 मैचेस में उन्हें जीत मिली है, इसके अलावा 10 मैचेस में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से कुल उनके 8 पॉइंट्स है और उनके नेट की बात की जाए तो -0.20 का उनका नेट है। चेन्नई की टीम का प्रदर्शन भी इस बार कुछ खास नहीं रहा, उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट सीजन में जबरदस्त वापसी करे। नंबर 10 के स्थान पर आती है मुंबई इंडियंस की टीम। मुंबई की टीम ने अब तक इस सीजन में कुल 14 मुकाबले खेले हैं, 4 मैचेस में इन्हें जीत मिली है, 10 मैचेस में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से कुल उनके 8 पॉइंट्स है और उनके नेट की बात की जाए तो -0.50 का उनका नेट है। मुंबई की टीम का प्रदर्शन भी इस बार खराब रहा, उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट सीजन में जोरदार वापसी करे। दोस्तों कुछ इस तरह से आईपीएल खत्म होने के बाद, यानी कि आईपीएल के लीग स्टेजेस के मुकाबले खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल है। दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है, कौन सी टीम इस बार का आईपीएल का खिताब जीतेगी, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।